नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और पहली खबर ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग आरोपी फरार हो गए हैं। वहीं आरोपियों के फरार होने की खबर से विभाग में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों ने नाबालिगों के फरार होने की सूचना अधिकारियों को दी है और गौरतलब है कि सभी फरार 6 बदमाश हत्या समेत अन्य मामलों के आरोपी हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 9 बजे सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर 7 आरोपी फरार हुए थे और घटना की जानकारी मिलने के बाद एक नाबालिग को पकड़ लिया गया है और 6 लोगों की तलाश लगातार जारी है। फरार आरोपियों में रिटायर्ड डीजीपी सुरेंद्र यादव की नातिन अक्षय यादव की हत्या में शामिल 3 आरोपी भी शामिल है। बीते 10 जुलाई 2023 को अक्षय हत्याकांड हुआ था और पुलिस ने अक्षय हत्याकांड के गवाह के घर सुरक्षा भी बढ़ाई है। पुलिस सभी संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है। रसोईया ने मुझे बचाया 9:15 बजे, 9:10 पर करीब 12 बच्चे हमारे यहाँ, 6 बच्चे उसको धक्का दे के दीवार फांद के भाग गए हैं और इसकी सूचना उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। तत्पश्चात वो थाने वाले कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये एक्ट के तहत और जानकारी हम लोग नहीं दे सकते। सर, किस केस में थे ये अपराधी, ये भी नहीं जानकारी हम नहीं दे पाएंगे आपको कुछ। सर, कौन कौन से अपराध थे इन पर? तो उसमें कंप्लेंट कर दी थाने में शिकायत कर दी आपने? हाँ, सब हो गई। कितने टोटल सर बच्चे हैं ये? 12 थे, 12 में से 6 भाग गए। आ गए थे टीआई साहब वगैरह, सब आ गए। देख, गंभीर आरोपी है कोई? ये भी नहीं हम बता पाएंगे आप। क्या शुभ नाम सर आप? तिवारी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से गुड्डू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड्डू, देखिए बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां जो 7 नाबालिग आरोपी हैं वो गार्ड को धक्का देकर फरार हो गए। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर नमस्कान जी खातीपुर इलाके में जो बालगृह बना हुआ है, उसमें जो कम उम्र के जो लड़के बालक होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। सुबह का मामला, 9 बजे के जो गर्म था वो गर्म पानी कर रहा था, उन्हीं को अकेला देख कर 7 बच्चों ने उसको धक्का देकर और एक के बाद एक ये दीवार फांद के बाहर निकल गया। उसके बाद जैसे ही गार्ड खड़ा हुआ, गार्ड में दौड़ के बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। काफी देर तक छानबीन करने के बाद कोई अभी तक नहीं मिला। पुलिस ने नाकाबंदी करके उनकी तलाश शुरू कर दी। मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें जो आरोपी है, ये 3 आरोपी अभी कुछ। बिल्कुल, आपने ठीक कहा गुड्डू कि मामला काफी संगीन है, क्योंकि जो नाबालिग आरोपी फरार हुए हैं उनमें से कुछ हत्यारोपी हत्या के कांड में भी जेल के अंदर इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी लापरवाही की गई है, क्या अभी तक किसी पर गाज या कोई एक्शन लिया गया है? अभी छानबीन चल रही है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से एवं जेल प्रशासन की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि इसमें घोर लापरवाही सामने आई है। जिस व्यक्ति की इसमें लापरवाही है, उसको संज्ञान में लेकर उसको सजा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी कुछ दिन पहले पूर्व डीजीपी की नातिन की हत्या करने वाले 3 आरोपी जो थे, वो भी ये भागने में कामयाब हुए। इसमें घोर लापरवाही सामने आई है जेल प्रशासन की, क्योंकि आपकी और कुछ लोग जो सजा काट रहे थे, उनमें से सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ पॉक्सो एक्ट के तहत भर्ती थे। इसमें सबसे बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है वो जेल प्रशासन की आई, कि उन्होंने ये एक बंदे को वहां पर रखा, बाकी का कोई वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना सामने आई है। ठीक है, धन्यवाद गुड्डू इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां हजीरा चौराहे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल भी फूंका। मेरे आज करीब 18 विधानसभा का दौरा समाप्त हुआ है। पिछले 4 दिनों मैंने भोपाल से शुरुआत की थी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना समाप्त करके आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ 4 दिन के बाद।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का मिशन है जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। संपूर्ण सैचुरेशन एक एक योजना की 100% लाभ एक एक जनता को मिले। रुक करते अगली खबर का, जहां ग्वालियर में हजीरा स्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के निवास पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, लोकसभा प्रभारी विपिन बालखेड़ा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह और कई अन्य नेता मौजूद रहे। वह सुनील शर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वो उन्होंने लोकसभा को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्षदों से चर्चा की है। भैया, आज कार्यकर्ताओं की बैठक किस तरह की तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? हमारे जिले के लोकसभा के प्रभारी विपिन बानखेड़े जी के साथ में आज ग्वालियर लोकसभा के मंडल सेक्टर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से निर्वाचित विधायक, सांसद और पूर्व विधायक के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, राय मशवरी हुई है और उसके आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इस पर चिंतन मनन किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शीघ्र ही मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर के लोकसभा के उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस पार्टी करने वाली है। अब अगली खबर सिवनी से है, जहां लखनऊ विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री देव सिंह सयाम ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस दौरान मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हम साधारण सिपाही हैं, अगर हाईकमान आदेश करेगा तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। पार्टी के आदेश का पालन करते हुए लोकसभा हो या विधानसभा, हर जगह हम मिलकर काम करेंगे। मंडला लोकसभा क्षेत्र में हमारे माननीय मंत्री जी कुलस्ते जी हैं और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, बहुत से विकास के काम भी किए हैं, हम लोग भी साथ साथ उनके काम करने वाले हैं। और विरोध तो सामान्य प्रक्रिया है, विरोध के कई कारण रहते हैं। आज इस अवसर में तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि समय के हिसाब से ये चुनावों को जो है इसमें पार्टी अच्छा निर्णय ले, क्योंकि अब मैं किसी के विरोध करने का ये मेरा अधिकार नहीं है कहने का, लेकिन पार्टी अच्छा उपयुक्त लगता है पार्टी को तो उसमें कोई रास्ता तय करे जिससे जो विरोध शांत हो। सिंगरौली कोतवाली थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में एक वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए और मिली जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार बुलेरो चालक कई वाहनों को ठोकर मारते हुए भाग निकला, लिहाजा लोगों ने वाहन को रुकवाने का भी बहुत प्रयास किया लेकिन सिरफिरे चालक ने बचने की फिराक में वाहन लेकर वो लगातार भागता रहा। इस चक्कर में उसने कई वाहन और लोगों को घायल तक कर दिया। वही जब घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को लगी तो बुलेरो चालक को कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, ये करीब जानकारी लगी थी, करीब दोपहर बाद की बात है। इसमें जैसे ही पता लगा कि कोई बुलेरो है रेड कलर की और वो किसी को टक्कर मार के भाग रही है, उसको तत्काल पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया और उसको पकड़ भी लिया गया। इसके साथ साथ उसने एक ऑटो को टक्कर मारी थी, कुछ लोगों को और टक्कर लगी थी तो उसके कारण से करीब 6-7 लोगों को चोटें लगी मामूली, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया है। एक व्यक्ति की उसमें मौत हुई है और एक घायल है जो अभी एडमिट है। इसमें जब पकड़ने के बाद उस आरोपी से जो पूछताछ की गई उसके बारे में जो जानकारी ली गई तो प्राथमिक जांच में ये निकल के आया है कि आरोपी अपने मालिक के साथ जो ढाबे पे उनके यहाँ काम करता है उसके होटल में, और वो मालिक आए थे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए बैठन, और जब वो क्लिनिक में गए अंदर तो इसको बोल गए कि तुम गाड़ी में बैठना, मैं अभी ट्रीटमेंट करा के वापस आता हूँ। इसने क्या किया कि गाड़ी में कोई स्टार्ट कर लिया, वो गाड़ी चलाने लगा, वो गाड़ी लेके ये शहर में जो जा रहा था रास्ते में वहाँ जा रहा था तो इससे 2-3 जगह टक्कर लगी। इसमें एक ऑटो में जब टक्कर लगी तो उसमें लोग घायल हुए थे और इसके कारण से एक व्यक्ति की मौत भी हुई। दमोह जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में
सभा संयुक्त सागर संभाग डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में निर्वाचक पुनरीक्षा 2024 संबंधी समीक्षा बैठक की गई है। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट में बनाए गए नवीन मीटिंग कक्षों का अवलोकन किया। उन्होंने सभी नवीन हॉल का अवलोकन कर नवीन कक्षों की प्रशंसा की है। इस मौके पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया कि नवीन कक्षों में मीटिंग समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नरसिंहपुर के शासकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने शिरकत की। इस दौरान विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा ही इस देश की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए भारत संकल्प को सार्थक बनाने में युवाओं का सहयोग जरूरी है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने भी नव मतदाता दिवस पर अपने अपने विचार रखते हुए सशक्त भारत निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान बताया। युवा हमारे देश की धरोहर है। जिस तरह ये ढलेंगे, देश के विकास में जिस तरह सहयोग करेंगे, ये उस तरह देश का विकास होगा। हम मतदाताओं को ये बताना है, युवा मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि हम जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की विकसित भारत बनाने की जो कल्पना है, उसमें जनभागीदार बनेंगे लोग, हमारा सहयोग करें और हम भारत को एक नया भारत बनाएं। इसी विश्वास के नाते हमें लोगों के साथ बहुत आलाप कर रहे हैं। अब अगली खबर कटनी से है, जहां कुटला थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पुलिस चौकी से चंद कदम दूर पेट्रोल पंप कर्मचारी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ लाश मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का जो संदेह है उसे व्यक्त किया है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में 26 जनवरी के मौके पर अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया है। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के साथ सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। जनवरी 2024 भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में अब शामिल हो चुका है। 500 सालों के संघर्ष और बलिदानों के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस समारोह में दमोह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं एकलव्य यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया को भी आमंत्रण पत्र मिला था। डॉक्टर सुधा मलैया प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सम्मिलित हुई और 23 जनवरी को उन्होंने श्री राम लला के दर्शन भी किए। वहीं दमोह लौटने पर डॉक्टर सुधा मलैया का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये विषय है राम आएंगे, राम आए हैं। श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। 500 सालों के बाद जो राम लला है वो विराजमान हो गए हैं। अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां बीते कुछ दिन पहले जैन मंदिर में हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने आखिरकार कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि चोरों ने मंदिर से चोरी करने के बाद मूर्तियों को चेक करके खंडित तक कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार चोरों की तलाश में लगी थी। तीन आरोपी योगेंद्र, गोविंद और विनायक, तीनों की गिरफ्तारी की गई। टीम ने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद इनफैक्ट ये 15 दिन से ज़्यादा जो है लगातार वो वहाँ पे रेड्स करते रहे। कभी मावा बेचने वाले तो कभी कबाड़ी बन खरीदने वाले जो है बनकर जो है उन्होंने जो है डेरों की सूचनाएँ एकत्र की। सूचना एकत्र करने के बाद जो है दबिश देने के बाद कारण ही जो है जो विनायक और गोविंद जो सागर के रहने वाले हैं उन्होंने डर कर जो है मूर्तियाँ जो है करीले में आकर के फेंक दिया था। बाद में जो है इनकी भी गिरफ्तारी की गई साइबर के सहयोग से और साथ ही साथ जो है योगेंद्र की भी गिरफ्तारी की गई। वृंदावन के प्रसिद्ध संत महंत श्री 108 किशोरदास देव जी महाराज डॉक्टर कमलेश गौतम के निवास बटियागढ़ पहुंचे, जहां भक्तों ने उनकी भव्य
आगवानी कर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर गौतम ने अपनी पत्नी के साथ पूजा आरती कर महंत श्री श्री 108 किशोरदास देवजू महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली खबर नरसिंहपुर से है, जहां दिगंबर जैनाचार्य तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां सकल दिगंबर जैन समाज और तेंदुखेड़ा के सभी वर्गों के लोगों ने जगह जगह दिगंबर जैनाचार्य मुनिश्री मल्ली सागर की आरती उतारकर उनका स्वागत किया है। मुनिश्री मदनपुर की तरफ से पैदल चलकर आए हुए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।